है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज रोशन। तो दोस्तों, आज का पांचवा दिन है ड्राइंग क्लास के लिए, और पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा कि हमें लाइन कर और सर्कल प्रैक्टिस किस तरह करनी है। हमारे ये फेस आउटलाइन के मतलब आउटलाइन परफेक्ट बने इसलिए, और हमने शेडिंग पे बात की, 3D शेप्स पे बात की। तो आज का टॉपिक है लाइट और शेड्स पे, जो कि हमने पिछली बार देखा था, बट वो डिटेल में नहीं था, हमने बस शेडिंग किस तरह से करनी है वो देखा था। तो आज वही टॉपिक है, बट हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि लाइट और शेड क्या होता है, और जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उस पर किस तरह की लाइट कहाँ पे पड़ती है, और थोड़े टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी नहीं है तो जाके पहले वो कम्प्लीटली समझ लो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, और अगर आपने देखी है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसे समझने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि कहाँ पे लाइट ज़्यादा कहाँ पे लाइट कम है ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक अंडा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अपर राइट साइड में लाइट सोर्स है, जिसकी लाइट सीधे अंडे के सरफेस पर आके रिफ्लेक्ट होती है। तो ऊपर के सरफेस को हम कहेंगे लाइट एरिया, और नीचे जो लाइट ब्लॉक होकर डार्कनेस क्रिएट हो रही है उसे हम कहेंगे डार्क एरिया। अब बात करते हैं लाइट एरिया की। तो लाइट जब इस तरह के छोटे सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होती है, फोकस होती है, तो इससे हमें एक स्पॉट दिखता है लाइट का, इसे हम हाईलाइट एरिया कहते हैं। और ये छोटा स्पॉट अंडे के किसी भी सरफेस से ज़्यादा चमकता है, तो इसी वजह से हम इसे हाईलाइट कहते हैं। और हाईलाइट को छोड़कर जो भी एरिया हमें चमकता हुआ दिखता है उसे हम सेंटर लाइट एरिया कहते हैं। अब बात करते हैं डार्क एरिया की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लैक बॉर्डर बनाई है। यहाँ पे लाइट आकर ब्लॉक हो जाती है इसके स्पियरिकल शेप के कारण, तो लाइट आगे नहीं बढ़ पाती और शैडो क्रिएट होती है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे टर्मिनेटर, जिससे कि लाइट ब्लॉक होती है और शैडो क्रिएट होती है। टर्मिनेटर के ऊपर ये जो है इसे कहते हैं हाफ टोन, और टर्मिनेटर के निचले हिस्से में लाइट ब्लॉक होकर जो शैडो क्रिएट होती है इसे कहते हैं कोर ऑफ शैडो। और यहाँ सबसे निचले हिस्से में जो हमें लाइट दिखती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट एरिया। जब लाइट पेज को हिट करके अंडे के सरफेस पर पड़ती है, इसकी वजह से सरफेस लाइट अप होता है और रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट को समझने के लिए हम सरफेस चेंज करके देखते हैं, इससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर अंडे के नीचे कोई ब्लैक सरफेस हो या फिर कोई सरफेस ही ना हो, तो रिफ्लेक्टेड लाइट एक तो ख़त्म हो जाती है या फिर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाइट सरफेस से और जो टेबल पर शैडो एरिया क्रिएट हुआ है उसमें से सबसे डार्केस्ट उसे ऑक्लूजन शैडो एरिया कहते हैं, और उसके बाद आती है कास्ट शैडो, जो कि ऑक्लूजन शैडो से थोड़ी सी फेंट होती है। तो ये था एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब इसे ड्रॉ करके देखते हैं। और एक बात, अगर आप नए हो चैनल पे तो आई थिंक नीचे एक रेड बटन है, उसका कलर ग्रे होना चाहिए था, और 100 लाइक्स का टारगेट रखा है मैंने। आई होप आप मुझे मदद करेंगे ये टारगेट पूरा करने में। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग किस तरह की बनती है। Thank you.
Thanks for watching this video. Consider subscribing and keep making artworks.